और पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पीटीआई प्रमुख इमरान खान एक ऑडियो लीक को लेकर घिरते दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी को लेकर इमरान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भारत से सीखने की सलाह दी है और सिंधु जल संधि से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए कल पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल भारत आएगा। पाकिस्तान की सियासी उठापटक से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं पाकिस्तान टॉप 9। पाकिस्तान की सियासत में आसिफ अली जरदारी और रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज का ऑडियो वायरल होने के बाद हंगामा मचा है। लीक ऑडियो में मलिक रियाज पूर्व राष्ट्रपति और पीपीपी चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को इमरान खान की दोस्ती का पैगाम देते हुए सुनाई दे रहे हैं। हालांकि ऑडियो में पीपीपी चीफ जरदारी किसी भी तरह की दोस्ती से इनकार करते हुए सुनाई दे रहे हैं। पाक मीडिया के मुताबिक ऑडियो की तारीख और वक्त का पता नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर शहबाज सरकार पर हमला किया और कहा कि आयातित सरकार को भारत से सीखना चाहिए, जिसने रूस से सस्ता तेल लेकर पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करके बड़ी राहत दी है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने IMF के दबाव में पेट्रोल और डीजल के दामों में 30 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट और बिजली के दाम बढ़ने के बाद पाकिस्तान के लोगों पर जल्द ही महंगाई की एक और मार पड़ सकती है। ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण पाकिस्तान रेलवे जल्द ही किराए में बढ़ोतरी कर सकता है। अधिकारियों ने किराए को 15 से 20% तक बढ़ाने की सिफारिश कर दी है। ईंधन की कमी और अन्य नुकसान की वजह से पाकिस्तान में कई बिजली संयंत्र बंद करने पड़े हैं। पीटीआई मुखिया और पूर्व पीएम इमरान खान ने कहा कि उन्होंने पीटीआई नेताओं से अपने अपने क्षेत्रों में जाकर पार्टी के अगले मार्च के लिए तैयारी शुरू करने का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा दावा भी किया जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में लोग आएंगे। इमरान खान ने इस्लामाबाद में बुलाया अपना लॉन्ग मार्च अचानक खत्म कर सबको हैरान कर दिया था। पाकिस्तान की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहल की है। उनकी अध्यक्षता में लाहौर में चीनी कंपनियों के निवेश पर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें शहबाज शरीफ ने चीनी कंपनियों के सामने आने वाले मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने चीनी कंपनियों के कर्मचारियों की सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। सिंधु जल संधि के तहत बातचीत के लिए 5 सदस्यों का पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल वाघा सीमा के जरिए कल भारत आएगा। पाकिस्तान में बिजली और ईंधन का संकट गहरा रहा है। इस दौरान दोनों देश सिंधु जल संधि से जुड़ी 3 पनबिजली परियोजनाओं पर बात होगी। बैठक के दौरान दोनों देश बाढ़ की पहले से सूचना और सिंधु जल के अस्थायी आयोग PCIW की वार्षिक रिपोर्ट पर भी विचार विमर्श करेंगे। पाकिस्तान ही नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर के नेता भी आतंकी यासिन मलिक को मिली उम्र कैद की सजा से परेशान हैं। पीओके के प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास खान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यासिन मलिक का केस लड़ने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि पीओके सरकार ने केस का पूरा खर्च उठाने का भी फैसला किया है। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली की एक और तस्वीर सामने आई है। पाकिस्तान की फ्लाइट से आई तस्वीर में दिख रहा है कि परेशान यात्री कागज के सहारे गर्मी से निपट रहे हैं। इतना ही नहीं, लाइट न होने के चलते फ्लाइट की एयर होस्टेस यात्रियों को पंखा चलाने के लिए कागज बांटती भी नजर आ रही है। पाकिस्तान में बिजली और ईंधन की कमी के चलते हवाई यात्रियों को ये दिन देखना पड़ रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के चमन रेलवे स्टेशन के पास मोटरसाइकिल में लगी एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक बम स्क्वाड ने बम को डिफ्यूज कर दिया। इससे पहले एक हमलावर ने दोपहर बाद पुलिस थाने के सामने भी हमला किया था, जिसके धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी और इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।